हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। पिछली वीडियो में हमने आपको मौर्य काल के प्रश्न बताए थे। अब हम आपको मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल के संबंधित प्रश्न बताएंगे, मतलब मौर्य के बाद का समय तथा गुप्त काल से पूर्व के समय के बारे में बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसके फर्स्ट ऑप्शन है कडापसस, सेकंड डमेटियस मंडाफरर कनिष्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन में है सातवाहन, बी ऑप्शन कृष्ण वंश, सी ऑप्शन कर्ण वंश, डी ऑप्शन गुप्त वंश। तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन सही है, कर्ण वंश। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य आईटीआई में ये प्रश्न आ चुका है, बारवैरिकम, वैरीगाजा, अरकामेड़ु, कोचीन। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, मतलब ये ऑप्शन असत्य है। तो हम आपको अब टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आंसर नीचे दिए हुए हैं, तो आप हम सीधे आंसर बताएंगे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव, मतलब भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो ये एसएससी में आ चुका है, सातवाहक वंश ने। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ दी इरिथ्रियस सी में पौडू के नाम से संबोधित किया गया है? ये बीएड में आ चुका है, अरकामेड़ु। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? यह LIC और ADO में आ चुका है, हाथी गुम्फा। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक वंश के शासकों ने, फोर्स में आ चुका है ये प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? ऑप्शन है बी इंडो वैक्ट्रियन, SSC में आ चुका है ये। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहरें चलाई थी? तो इसका ऑप्शन है सी कुषाण शासकों ने, ये RRB में आ चुका है। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंगाधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? SSC में आ चुका है ये ऑप्शन है डी भारत ग्रीक यूनानी शैली। पुष्यमित्र संगु मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इसका ऑप्शन है ए सेनापति, ये UPPCS में आ चुका है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ऑप्शन है सी कनिष्क, ITI में ये आ चुका है। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन ए वासुदेव, ये UPSC की जो परीक्षा होती है IAS बनती है उसमें आया था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेशावर। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? ऑप्शन है सी कुषाण, UPPCS में ये आ चुका है। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है बी सही है, पैठन या प्रतिष्ठान, ये कांस्टेबल की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? ऑप्शन नंबर एक सही है कनिष्क के, ये RRB में आ चुका है। किस सातवाहक नरेश ने गाथास पथसती नामक एक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हाल GIC में ये आ चुका है। चरक किसके राजवैद्य थे? ऑप्शन नंबर डी सही है कनिष्क के। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे आप न्यू ऑडियो नोट्स और भी प्राचीन भारत से संबंधित सारे वीडियो हमारे देखने के लिए, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी प्राचीन भारत के सभी वीडियो देख सकते हैं, और उसमें केमिस्ट्री के भी कुछ वीडियो हैं, उसकी लिंक भी मैंने दे दी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।